Hello everybody, welcome back to my channel. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैनल के जरिए आप लोग साथ मेरा जो नॉलेज है ना, जो मैं जो देखता हूँ या जो भी चीज करता हूँ या सीखता हूँ, है ना। मैंने आप लोग साथ इस वीडियो के जरिए मैं डिस्कस करता हूँ। लास्ट वीक में मैंने एक चीज को रियलाइज किया था, है ना। जैसे कि आपको कुछ भी लास्ट टाइम मैंने देखा था कि आलू, एक ग्रीन आलू आया, ठीक है। पटेटो बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, कौन सा पटेटो है, कैसे है, मेरे को भी मालूम नहीं है, बट जो चीज मैंने देखा और ये चीज उन्होंने जो फॉफडेंट किया है ना, उसमें हम लोग भी कुछ सीखने को मिला है। ये चीज आप लोग साथ भी मैं शेयर करता हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मैं अपना ही खाली सीखता हूँ, या कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंसिडेंट होता है ना, कुछ के बारे में हम लोग उसमें लर्निंग पड़ेंगे। तो लास्ट टाइम और उसने हम लोग से थोड़ा सीनियर जो हाइजीनिस्ट है, उसने देखा कि पोटैटो के बारे में, पोटैटो है, ग्रीन कलर आया था। कुछ पोटैटो उसमें ग्रीन कलर था, है ना, ग्रीन था पूरा जो पोटैटो है, माने जैसे कलर, जैसे हम लोग घर में या गांव में जो मिलता है पोटैटो, वैसा व्हाइट था और कुछ पोटैटो था ग्रीन कलर। उन्होंने ट्रैप किया, बोला कि कैच किया कि ये पोटैटो क्यों इधर आया, दिस पोटैटो इज नॉट गुड, ऐसे बोला। तो उन्होंने, मैंने पूछा उनको क्या प्रॉब्लम है इस पोटैटो के बारे में, तो मेरा ये बहुत सा प्रॉब्लम रीजन रहता है, पकता नहीं है। तो उस पोटैटो, जो ग्रीन पोटैटो किस तरह से आता है, मैंने जैसे कि आलू लगा हुआ है ना, पौधा लगा हुआ, खेती लगा हुआ है ना, सम पोटैटो है ना, उसका जो पेड़ है, पेड़ से बाहर आ जाता है, इस तरह से बाहर जमीन से ऊपर उठ जाता, बाहर आ जाता है ना। पेड़ ऐसे है, पेड़ का बाहर में पोटैटो फल लगता है, चारों तरफ से फल लगता है, वही जो पोटैटो है वो ग्रीन पोटैटो, अच्छा पोटैटो, सॉइल पोटैटो, गुड पोटैटो, आपको मट्टी के अंदर रहता है, इसलिए वो पोटैटो फ्रेश पोटैटो अच्छा है, अच्छा बॉयल पोटैटो। पोटैटो भी बोट टाइप का था, है ना, लाल रेड कलर का, छोटा बड़ा जो भी है पोटैटो, जैसे जैसे जैसा खेती है उस मिट्टी के हिसाब से उसमें पोटैटो। तो फर्स्ट जो ग्रीन पोटैटो है, आपको शायद हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, मेरा भी उतना पूरा नॉलेज नहीं है, बट मे बी उन्होंने स्ट्रिक्टली जो वो भी एक पढ़ाई लिखा करके आया है ना, पढ़ाई लिखा करके आया और डिग्री हासिल करके आया, उन्होंने बोला स्ट्रिक्टली मना है इस। उसके बाद उस पोटैटो का जो पिक्चर है, स्नैप लेकर उन्होंने कैच किया। कैच करने के बाद जिधर आपका जो सप्लाई है ना, उस सप्लाई को फास्ट उस मेल का सहित में फोटो भेजा, शायद आई डोंट नो कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर का जो सप्लायर है उनको भी पता नहीं होगा इस पोटैटो को बारे में, उनके पोटैटो के बारे में, लेकिन जो भी चीज़ है वो जो हाइजीनिस्ट पकड़ा और बोला कि ये पोटैटो अच्छा नहीं है, उसको सेपरेट रखो, याद हो उसको थ्रो करो, याद हो उसको रिकॉल करो, और वो मेल कर दिया कि तुमने इस पोटैटो नेक्स्ट टाइम मत भेजो, इस टाइप का पोटैटो तुम नेक्स्ट टाइम मत भेजो।
पोटैटो शायद बहुत सा रीजन होगा, है ना, पोटैटो बहुत सा रीजन होगा, नहीं पकता नहीं है, पकता नहीं है, जो भी चीज़ है इस तरह से। मैंने भी सीखा उनसे, है ना, मैंने भी सीखा उनसे, तो बात सही बात बोल रहा है। अब हम लोग भी कुछ बाहर का जितना भी जो टॉप टॉप हाइजीनिस्ट है ना, इधर हम लोग को इधर आते हैं ना, या तो हम लोग भी उन लोग साथ सीखने को कुछ कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो फूड सेफ्टी के बारे में, है ना, हाइजीनिस्ट के बारे में कुछ कुछ हम लोग सीखते रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम होता है कुंदर डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, रियलाइज करता है, चलता है किचन में, चलता है डाइनिंग में, चलता है ना, इधर उधर चेक करता है, कहने का उधर रियलाइज करता है कि पटेटो या तो कुछ भी चीज उसको इस तरह से क्या है नहीं है उनको ऑब्जर्व करना। शायद ऐसे जैसे कि मैं भी कुछ किचन के अंदर जाता हूँ, है ना, किचन के अंदर जाता हूँ, कुछ फॉल्ट रहता है, कुछ राइट रहता है, कुछ रॉन्ग काम कर रहे हैं, है ना, रॉन्ग बेसिस में काम कर रहे हैं, तो हम लोग का जो माइंड है उस टाइम सडनली पड़ जाता है उसमें कि दिस इज द रॉन्ग पोजिशन में काम कर रहा है, हम लोग पकड़ लेते हैं। इसके आपको करते करते आपको एक नॉलेज हो जाता है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होता है, अगला प्रसाद।